ये सीक्वेंस उनको चुभेगा, उनको चुभता नहीं है पर चुभेगा फिर भी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सपना के घर में शादी की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। परिवार के चेहरे पे बहुत टाइम बाद खुशियाँ आई हैं, क्योंकि इतने दिन से घर का जो माहौल था, सपना भले ही कितना भी कोशिश कर रही थी, पर अब जाके ऐसा लग रहा है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब शादी आ रही है और घर में शादी का माहौल है, तो घर वाले भी शॉपिंग कर रहे हैं। सपना भी खुश लग रही है, सपना अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करते हुए दिखी। सपना अंशु के साथ गई थी कपड़ों के मार्केट में, वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े सूट वगैरह शॉपिंग करते हुए दिखी, और बहुत जल्दी शादी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हो रहा है कि इस सपना के परिवार में आखिर शादी किसकी है। सपना के घर वाले इतने खुश हैं, परिवार वाले सब मिलजुल के शादी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, शादी के मतलब नाच गाने चल रहे हैं। यहाँ दिखी सपना अपनी ननंद के साथ में भी बहुत मस्ती करते हुई नज़र आई। आपको बता दे, ये अंशु की दीदी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, अंशु राजवीर चौधरी की सगे मामा की लड़की है, जो बचपन से ही राजवीर चौधरी के मम्मी पापा ने अंशु को बेटी की तरह पाला है। और ये जो सपना के साथ जो भी डांस कर रही हैं घर में, वो अंशु की ही बड़ी बहन है। जो दोस्तों, दोनों बहनें एक जैसी दिखती हैं और अंशु बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उनके घर वाले यहाँ आते हैं। हालांकि अंशु अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ख़ासकर सपना से तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। कभी वो अपनी सपना को कभी भी भाभी की नज़र से देखती ही नहीं, हमेशा माँ की नज़र से।